टुमारो टीना इज गोइंग टू चंडीगढ़, और मुझे छोड़ के चंडीगढ़ जा रही है अकेले 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 जा रही है चंडीगढ़। अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, काम है कुछ। कौन है तुम्हारी फ्रेंड ऐसी जिसके साथ तुम चंडीगढ़ जा रही हो? Nowadays nothing really is ice. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she ice. Freeze, photo, please, no photos. No, no, jeez, no, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here might need some. Still young but I move like a veteran. New deal to my lawyer to if you're down in my management. I'm just warming up a way to lie. हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो देखो जी, आज सुबह उठ गया था जल्दी और आज जिम जाने लगा, सब कुछ सेट था। उसके बाद तुम्हारे भाई को याद आता कि तुम्हारे भाई के कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है, इसलिए आज थोड़ा सा जो ब्लॉग है ना लेट स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टीना के घर। माइयो का हॉर्न बजाई जा रहा है। गुगलू, पहले ना मम्मा कहती थी कि इस घर में या तो गुगलू रहेगा या मैं रहूंगा, पर जब से गुगलू आया ना इसका पूरा ख्याल रख रही है, हमसे ज्यादा मम्मा गुगलू का ख्याल रख रही है ना। हाँ जी, इधर देखते हैं, इधर देख के बात करते हैं। हाँ जी। तो यार देखो, मेरी मम्मी को ना व्लॉगिंग का भी आइडिया नहीं है। हाँ। तो आपको समझा रहा हूँ, कभी भी अगर ऊपर आता हूँ और व्लॉग मैं आपको लेता हूँ तो इसके अंदर देखा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मम्मी पापा को भी दिखाओ। तो जब भी बात कर रहे हो इसके अंदर देखना, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखोगे तो फिर अजीब लगता है। यहाँ देखना मतलब सब कुछ मिल जाएगा मेरे को ऊपर। मेरी ना चाबी इधर से उधर होती रहती है, अभी मैंने चाबी यही रूम में रखी थी और चाबी हो चुकी है गायब। मेरी तरह किस किस की हर वक्त चाबी खो जाती है, गाड़ी की, कभी एक्टिवा की। तो ये मेरी रूम की चाबी है जो एक मम्मी के पास रहती है, और एक ही रूम की चाबी है जो मेरे पास रहती है। तो जैसे होटलों में होता है ना, आप जाते हो और वापस आते हो तो रूम सर्विस ने पूरा घर साफ किया होता है, रूम साफ होता है, तो मेरी मम्मी मेरे जाने से पहले रूम साफ करवा देती है। तो थैंक यू सो मच, वेलकम। माता जी ने बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। अरे भाई, दोस्त से ना कुछ सामान लेना था, मैं लेने पहुंचा हूँ, आधा घंटा हो चुका है, दोस्त ही नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ, कह रहा यहाँ हूँ वहाँ हूँ। सामान कहाँ पहुँचा? हाय। हाँ जी भाई, मतलब दो दो मिनट करते करते इतना टाइम लगा दिया तुमने। भाई मैं आगे चला गया था, देखा नहीं भाई, मैं तो आया पीछे से ही हूँ। चल कोई चक्कर नहीं, सामान आ गया है, हूँ ना चल दे। हाँ, चलना भी इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। बढ़ गए तुसी बटरफ्लाई किते नू चले आ, हैगा कोई बॉयफ्रेंड या तुसी भी कल्ले आ। सो गाइस, देख रहे हो हम दोनों रेडी कैसे होते हैं, म्यूजिक मस्ट है। जब तक हम लोग रेडी हो रहे हैं और म्यूजिक ना हो तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। हाँ, जब तक म्यूजिक ना चल रहा हो तो काम करने में मजा नहीं आता, क्योंकि मेरा कहना है कि म्यूजिक से काम थोड़ा इजी हो जाता है और मजेदार हो जाता है ना। हाँ, और हम आपको दिखाते हैं, हमने लिया अमेजिंग स्पीकर्स, Zebronic Zeb Juba 3500 साउंड बार। ये 2.0 चैनल बार और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसमें कोएक्सियल इनपुट आता है, HDMI आर्क आती है, ब्लूटूथ आता है, USB आती है, ऑक्स आती है, इसके साथ वॉल माउंट भी आता है। अब हम लोगों ने जो अपना स्पीकर है वो ऐसे ही लगाया, अगर हम चाहे तो वॉल माउंट भी लगा सकते हैं। तो एक तो पोर्टेबल इतना है ना, इसको कहीं भी रख लो और कहीं भी गाड़ी कर लो, जैसे कभी हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं कहीं आ रहे हैं तो हम पार्टी शार्टी में इसको ले जाते हैं। और इसमें कॉर्ड ड्राइव्स भी है, सो देखो कितनी सही चीज है। मतलब इस स्पीकर में ना आपको सब कुछ मिलेगा, और इस स्पीकर की लुक भाई साहब एक नंबर लुक है। जब भी पार्टी होती है ना तो हम स्पीकर को यूज करते हैं, और हमारे दोस्त कहते हैं भाई क्या आवाज है, क्या बेस है, क्या क्वालिटी है। तो ऑब्वियसली यार Zebronic है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ना। ऑल्सो दिस जूबर कम्स विद एन अमेजिंग रिमोट, तो इसको यूज करके आप सॉन्ग बदल सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, ब्लूटूथ से FM पे जा सकते हो। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि पीछे बैठो आराम से और गाने चेंज करो और मजे लो। और मैंने अपने लिए एक बहुत ही क्यूट सी चीज मंगाई, वो है Zeb साउंड बॉम S1। ये वायरलेस ईयरबड्स है और ये इतने कंपैटिबल और पोर्टेबल है कि ये क्यूट सा है और आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। आप वॉक पे जा रहे हो या फिर आप योगा कर रहे हो या जिम जा रहे हो, तो ये आपके ईयर्स में इतने सही फिट होते हैं, ये टाइट नहीं और बिल्कुल भी पेन नहीं करते, इतने सॉफ्ट है। और गाइज ये मेरे फैशन सेंस के साथ बहुत ही सही जाते हैं। और ये सी टाइप चार्जिंग है, 18 आवर्स तक इसकी बैटरी चलती है, एंड इसमें एक वॉइस रेसिस्टेंस सपोर्ट भी है। सो गाइज बहुत ही सही चीज है। देख रहे हो Zebronic के प्रोडक्ट कितने सही हैं। तो अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको परचेज करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हो या देख सकते हो डिटेल्स और इसकी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि भाई हमको तो प्यार हो चुका है इससे। हमें लेने थे थोड़ी बिस्किट्स, सो वी आर गोइंग टू Altham बेकरी। तो मैंने अपने लिए मंगवाया सैंडविच, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। ये वाला सैंडविच मैं खा रहा हूँ, एक साल बाद पहले हम इस बेकरी में डेली आते थे, फिर हमने आम और पिकोलो जाना शुरू कर दिया, पर
वापस आए ना तो बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं ना। सैंडविच बड़ा वैसे से लग रहा है, मीन लाइक हम एक साल पीछे जा चुके हैं, क्योंकि हम एक डेढ़ साल पहले यहाँ पे आए करते थे, स्पेशली विंटर्स में। और मैंने बोलते थे कि भैया हीटर लगवा लो। बाय द वे बहुत टेस्टी टू बिस्किट। यू वांट अ सैंडविच? वेजे। दिस इज चीज हर्ब सैंडविच जो हम पहले खाते थे। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम स्क्रिप्टिंग करते थे, मतलब जितनी भी हमने मेन चैनल की वीडियो लिखी है ना, हमने इसी कैफे में बैठ के लिखी है। Remember? We should come here often so that we can work more. And यहाँ पे वो कछुए भी हैं जो हम आपको पहले दिखा देते हैं। कछुए, these कछुआ are still here. और यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, लाइक पिकोलो, आमा एंड एल्थम की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। कभी आप देहरादून हो तो दीज आर द थ्री प्लेसेज यू मस्ट विजिट इफ यू वांट टू हैव कॉफ़ी, कोई भी टाइप की कॉफ़ी। हेलो। तो अभी ना डिस्कशन हो रहा था, ये डिस्कशन हो रहा था कि जो क्रेडिट कार्ड्स है ना वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है क्रेडिट कार्ड तब यूज़ करने चाहिए अगर आपको अपना थोड़ा बहुत सिविल स्कोर बढ़ाना है, लेकिन अगर आपकी जेब में सही में पैसा नहीं है ना तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे बहुत बंदे देखे हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं इवन व्हेन दे डोंट हैव फंड्स, एंड इन दी एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो उड़ाने तो बहुत आसान होते हैं पर भरने बहुत मुश्किल होते हैं। प्रेफर नहीं करती जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते, तो देन आई कैन अफोर्ड समथिंग, देन ओनली आई कैन बाय। जैसे अगर मुझे अभी 11 वो लेना है आईफोन, अपना 12 लेना है, तो मैं तभी परचेस करूंगी जैसे मेरे पास पैसे होंगे। मैं इंस्टॉलमेंट पे या क्रेडिट कार्ड पे लेना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो पैसे देने हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट बर्डन। इससे अच्छा है कि मैं एक ही बारी में वो खत्म करूं और उसके बाद मुझे पता हो कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, अब मुझे डबल मेहनत करनी है वो जो पैसे मैंने उड़ाए हैं उसे कमाने के लिए। तो मुझे अगर मैंने सैंडविच खा लिया ना अनहेल्दी, तो इसलिए मेरे को नींद आ रही, उसमें मैदा था बहुत ज्यादा। इतना चीज मैदा, चलो कोई नहीं, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट यू हैड अ लॉट ऑफ चीज। तुमने दो सैंडविच, तीन सैंडविच खाए हैं, उसमें That was full of cheese. उसमें कुछ भी नहीं था, वो cheese sandwich था। So इस वजह से तुम्हें भी dizzy लग रहा है और तुमने कॉफी भी नहीं पी है। सही में भाई। और यार ये टीना हर वक्त ना कैमरा ऐसी पकड़ती थी, मतलब डंडा होता था तो टीना कैमरा ऐसे उठाती थी बिना डंडे के। और दिस इज मच बेटर यार, मतलब ऐसे ऐसे सीधा बात करो, कोई टेंशन ही नहीं यार, बढ़िया हो गया। तो सीन टीना, और टीना इज गोइंग टू चंडीगढ़, और मुझे छोड़ के चंडीगढ़ जा रही है अकेले 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 जा रही है चंडीगढ़। अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, काम है कुछ। कौन है तुम्हारी फ्रेंड ऐसी जिसके साथ तुम चंडीगढ़ जा रही हो? लक्ष्य पाठक। सारी मासूम सी खुशियां। पहले मुझे ना एक चीज का आंसर दे, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि टीना छेत्री व्लॉग में आजकल इतना लो क्यों रह रही है? हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टीना क्यों रह रही है तू व्लॉग में इतना लो? यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ है ना, इतना लो क्यों रह रही है? लोग मुझे कह रहे हैं कि साहिब और तेरी लड़ाई हो चुकी है, और तभी भी हम साथ व्लॉग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कौन बोल रहा है? लोग कमेंट मार रहे हैं कि टीना का मन नहीं करता व्लॉग करने का, टीना ऐसी आई हुई है व्लॉग में बैठी रहती है, रिएक्ट नहीं करती। तो एक बार जवाब देते हैं इस चीज का। कौन से लोग हैं यार ये सपोर्टर्स? ये कैमरा लोगों से भरा हुआ है और मुझसे सवाल कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे बड़े सारे ये कैमरा है ना, बहुत सारा क्राउड बैठा हुआ और मुझे ऐसा देख रहा है कि बताओ भैया जनता जवाब चाहती है। अरे कुछ नहीं है गाइस, सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। थोड़ी कॉफी कम हो गई है तो कॉफी मेक्स मी हाय, तो ऐसा सीन है। और पहले ये सुबह यार रात 12 बजे उठती थी, अब ये जल्दी उठती है, तो इसकी ना जिम बहुत शाम तक एनर्जी लेवल डाउन जो होती है ना मेरी जिम में चली जाती है। 2-2.5 घंटा जिम, ये तो ब्रेक ले लेके ऐसी तैसी कर लेता है, तो मेरी सारी एनर्जी वहीं चली जाती है, उसके बाद मुझे नींद आती है। और बाकी ना हमने देखा एक चीज तो है, मतलब लिटरली ना ये जैसे बात बोल रही है ना कि मेरे को लग रहा सामने ऑडियंस बैठी है, तो हम लोग ना पढ़ते हैं, मतलब हर बंदे का डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये डस्टबिन है, बस थूक के चले जाओ, जो मन में आए थूक के चले जाओ। भाई थोड़ा पढ़ लिया करो, हम लोग जब पढ़ते हैं ना हमें भी बुरा लगता है, मतलब लोग ना कुछ भी जज करके चले जाते हैं कि इसकी तो कभी थार नहीं आएगी, इसकी तो कभी बाइक नहीं आएगी, ऐसी हवामाजी मारी जा रहे हैं, फुकरीपंती करे जा रहे हैं। हालां मैं वेस्ट पहन के व्लॉग कर लूँ उसमें उनको दिक्कत हो जाती है, टीना ने रगेड जीन्स पहन ली उसमें दिक्कत हो जाती है कि ये फटी जीन्स भी क्यों पहनी है। तो यार थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो यार, ऐसे मत करो। मैं अपने सपोर्टर्स को नहीं कह रहा हूँ ये, मैं बात अपने हेटर्स को कह रहा हूँ, तो इतना हेट मत फैलाओ। जीवन में ना प्यार करने को बहुत चीज़ है, प्यार फैलाओ। तू है सही या
हेटर्स लव यू, देखो कितने प्यार से कुड़ी ने तुम्हें लव यू भी बोल दिया। ये भी देखो हेटर्स वॉच दिस, आग लगी। ओके मेरी जॉब कंप्लीट हो गई आज की। बाकी आज के व्लॉग को ना ये एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारी बातें जरा सी भी अच्छी लगी तो।